वेलकम टू माई चैनल, आई एम शिल्पा। और अभी बज रहे हैं 6:15, यानी कि शाम हो गई है और सुबह की पूजा हो गई थी ऑब्वियसली। तो मैं सिर्फ भोग का वीडियो बनाऊंगी, जैसे कि मैंने आप लोग को प्रॉमिस किया था कि मैं सारे जितने भी दिन का मैं भोग दूंगी तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो फिर आज मैं भोग बना रही हूँ, सिंपल आलू की सब्जी बनाऊंगी और साथ में ऑब्वियसली पूड़ी रहती है, तो वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आज। तो चलिए फटाफट से बना लेती हूँ, अदरवाइज़ फिर संध्या देने में लेट हो जाएगी। चलिए, तो पहले मेरी ये बाबा जी की पोटली, हाँ कहते हैं बाबा जी की पोटली, तो ये ले लेती हूँ पहले मैं यहाँ से हमेशा उठा के। तो क्योंकि इसमें सारे मेरे भगवान जी के मसाले हैं तो इसको ही लेके पहले मुझे जाना पड़ता है किचन में। तो किचन में है अंधेरा, थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम। तो चलिए अब मैं पहले बना लेती हूँ फटाफट, फिर आप लोगों के साथ यू नो पूजा करेंगे शाम की। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये जो मेरी वाटिका है देखिए कितनी ज़्यादा ग्रो हो गई है। और आज 5th डे है और कह सकते हैं कि माता की कृपा है जो इतनी जल्दी हो गई है ग्रो, मतलब एक उंगली के बराबर तो हो ही गई है, एक उंगली के बराबर हो गई है कम से कम। बोलो दुर्गा माई की जय। और आज भी मैंने पिंक साड़ी पहनी है, पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ नन्नू की भी मैचिंग है, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं अचानक से मैंने निकाली पिंक साड़ी, आई इसका ब्लाउज सामने था, मतलब मेरी अलमारी की बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। आज मैंने ठीक की अलमारी, मुझे ना कोई ब्लाउज मिल रहा था ना मुझे कोई पेटीकोट मिल रहा था, मैं क्या करूँ, मुझे जो मेरे हाथ के सामने मिल रहा था वही मैंने पहन लिया। क्योंकि सुबह मॉर्निंग में इतना काम होता है सब कुछ, तो ना टाइम नहीं मिलता कि एक के बाद एक चीज़ मैं ढूंढूं जो मुझे पहनना है। बट हाँ, कल शायद मैं मेरे को मिल सके जो मुझे पहनना हो साड़ी, क्योंकि आज मैंने सब ढंग से उसको लगाया, पेटीकोट से लेके ब्लाउज से लेके हर चीज़ मैंने अच्छे से लगाई। और यहाँ पे दो ब्लाउज भी रखे हैं मैंने, इनके हुक ठीक करने मुझे पूजा में पहनने के लिए, अदरवाइज़ हुक नहीं पहन नहीं पाऊँगी, तो इनको भी ठीक करने मुझे टाइम निकाल के। तो मैंने सजाया पूरा अलमारी, तब जाके सब सामान मिलेगा। तो आज सुबह तो मुझे यही मिला, ये ब्लाउज भी इसका नहीं है बट ये सामने और इसके साथ पिंक है मैचिंग, तो मैंने पहन लिया। बट हाँ ये साड़ी, तो ये पिछले साल की साड़ी है दुर्गा पूजा की, ग्रे टच में है, तो यही पहन ली। तो चलिए फटाफट से खाना बना लेते हैं, भोग, सॉरी खाना नहीं भोग। ये देखो ये नन्नू ने हेयर बैंड लगाया, ये नन्नू का फेवरेट हेयर बैंड है। हाँ ये नन्नू का मुंह से बोलो, ये नन्नू का फेवरेट पॉम पॉम वाला हेयर बैंड है, पिंक कलर का और ब्लू कलर का कुर्ता और पिंक कलर के नन्नू ने पजामी पहनी है, क्योंकि दुर्गा पूजा है तो नन्नू भी ट्रेडिशनल और एथनिक पहन रही है रोज, है ना नन्नू? हाँ रोज कुर्ता पहन रही है नन्नू पंजाबी के साथ। हाँ ये आलू धो लिए मैंने, बट ना ये थोड़े से मुझे प्रेशर कुकर में सीटी मारने पड़ेगा, क्योंकि आलू ना बहुत ज़्यादा मतलब सख्त होता है, बल्कि इतने पतले पतले काटे हैं, बट ये ना बॉयल नहीं होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा, भोग देने में टाइम लग जाएगा, तो इसलिए ना मैं इसको बॉयल कर लूँगी पहले, दो सीटी लगाने से हो जाएगा, तो मैं पहले इसको सीटी मार लूँगी अच्छे से और तब मैं इसको छूकूंगी। Thank you.
बॉयल हो गई।